मैं आपको KGF मूवी के बारे में अमेजिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि KGF जो है वो वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट टाइम टेकिंग मूवी है कनाडा में। मतलब जो कनाडा लैंग्वेज की मूवीज होती हैं उनका एवरेज लेंथ यानी कि मूवी बनाने का जो टाइम होता है वो 6 महीने से लेके 1 साल तक का होता है और इसी के अंदर वो मूवी बन जाती है जो कनाडा मूवी होती है। बट मूवी को बनाने में 3 साल लग गए थे, जो KGF मूवी उसको बनाने में 3 साल लग गए थे। आपको पता है KGF का जो सेट है वो बारिश के चलते बहुत बार टूट गया था, बट बार बार इसे रिबिल्ट करके शूट को कम्प्लीट किया गया था। मैं KGF फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। KGF जो है वो फर्स्ट कनाडा मूवी थी जो कि ऑल साउथ लैंग्वेज में रिलीज हुई थी और हिंदी में भी रिलीज हुई थी। और KGF 1 फर्स्ट ऐसी मूवी थी जो 100 करोड़ पार कर दी थी कनाडा मूवीज के कैटेगरी में। और सबसे ज्यादा अमेजिंग फैक्ट ये है, जो मूवी में आप धूल देते हो वो कोई एनिमेशन या इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये रियल में ऐसा हुआ था। सारे मूवीज के कम्पेयर इस मूवी में सबसे ज्यादा कम VFX यूज किया गया था। बिना VFX के तो मूवी बनाना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन कम VFX का यूज करके मूवी बनाना ये सबसे बड़ी बात है। KGF फर्स्ट में करीब 80 करोड़ रुपए लगे थे और ये था उसका बजट। बॉक्स ऑफिस में 250 करोड़ से भी ज्यादा इस मूवी ने कमाई थी। और KGF 2 की बात करें तो इसका बजट अब 100 करोड़ रुपया है, मतलब कि पहले मूवी से 20 करोड़ ज्यादा। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा।